मिडिल एजुकेशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो टॉपर सीरीज का नहीं होगा, ये वीडियो है आपके प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2023-24 कक्षा 10वीं के गणित विषय का पेपर। फाइनली गणित का बार बार डिमांड कर रहे थे, एक ही कमेंट सेक्शन में मैसेज था, प्लीज मैथ का अपलोड कीजिए, कल हमारे एग्जाम में मैथ का पेपर देखने को मिलेगा। एंड तुम बोले और मिडिल एजुकेशन ऐसा ना करे, दैट इज इम्पॉसिबल, यह कभी हो ही नहीं सकता। लो भाई साहब, आपके सामने कक्षा 10वीं के गणित के 100% रियल प्रश्न पत्र का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर लेकर के आ चुका हूँ। फाइनली खुशी की लहर तुम्हारे चेहरे पर होनी चाहिए, क्योंकि तुमको पता है कि मिडिल एजुकेशन जो आंसर देता है 101% रियल और जेन्युइन होता है। बाकायदे लिखित आंसर दिखाऊंगा, पीडीएफ भी दूंगा, टेंशन मत लो। आंसर आपको इस प्रकार से लिखित मिलेगा, देख लो, ये प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर है। इस प्रकार से लिखित आंसर मिलेगा और इसका मैं पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट कर लिया हूं, कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से आपके सामने पीडीएफ दिया जाएगा। मिडिल एजुकेशन का टोटल फ्री वीडियो आ चुका है एग्जाम में फायर करने के लिए। वीडियो आए, धमाका न मचाए, दैट इज इम्पॉसिबल, ये कभी हो ही नहीं सकता। देखो, सबसे पहले आप देख लो, सेट नंबर ए आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। आपके स्कूल में कौन सा सेट आ रहा है, चुपचाप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तुम्हें जल्द ही वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। 75 नंबर का पेपर रहेगा, समय आपको 3 घंटे, वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद है। मैं हमेशा बोलता हूं, इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ना, इंस्ट्रक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जामिनेशन में नंबर गेन करने के लिए। सो हम आगे बढ़ते हैं, यहां से कवर करेंगे, सही विकल्प चुन करके लिखिए। पहला नंबर कहता है, संख्या 5 और 10 का महत्तम समवर्तक मतलब HCF क्या होगा। जब हमने इसका HCF निकालने बैठा तो इसका सही आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, 5 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर कहता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद, बहुपद क्या लिखा है, ax2 + bx - c के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -b/a। लेकिन यहीं पर यदि प्रश्न पूछता कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता, तो वहां पर इसका सही आंसर हो जाता c/a। इस चीज को ध्यान रखना, है ना, बहुत माइनर चीज है। कभी कभी प्रश्न में गुलाटी खा के प्रश्न पूछता है, पूछ लेता है कि अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता, तो c/a होता, लेकिन यहाँ पे धन का चिन्ह है इसलिए इसका उत्तर हो गया -b/a। ओके, आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y c1=0 है और a2x b2y - c2=0 का कोई हल नहीं की शर्तें क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर b, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये होगा कोई नहीं हल की शर्तें। और ये प्रश्न पिछले 4 से 5 सालों में हर साल रिपीट हो रहा है और हर साल आपके सही विकल्प में भी आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि वार्षिक परीक्षा में हूबहू यही का ही प्रश्न देखने को मिल जाए, इसीलिए बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। आपको एक चीज मैं बता देता हूं, वार्षिक परीक्षा में आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर कहता है, एपी का मान दिया है 1, -1, -3 और -5 में सर्वांतर है, इसमें सर्व में अंतर बताना है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा -2। ठीक, इसमें -2 का अंतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है पांचवा नंबर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, इस कथन को निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, मतलब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का यह कथन लिखा गया है ऊपर। ठीक, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है, बिंदु ए का मान दिया है 1 और -2, बी का मान दिया है -3 और 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, इसका सही आंसर लिखेंगे -1 और 1, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी तो इंग्लिश में क्वेश्चंस को कैच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम रिक्त स्थान की तरफ। हमारा पहला नंबर कहता है कि 3√2 संख्या है, ये कैसी संख्या है हमें पहचानना है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होता है सिंपल सा बटे के रूप में, है ना, जैसे 1/4 लिखा हो, इसे कहते हैं परिमेय संख्या, लेकिन जब इस फॉर्म में लिखा हो तो उसे हमेशा अपरिमेय संख्या कहते हैं।
इस चीज को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर, यदि पी एक्स एक द्विघाती बहुपद है, जो पी एक्स है वो एक द्विघाती बहुपद है, यदि पी एक्स का मान शून्य है तो डैश डैश समीकरण कहलाता है, तो यह एक वर्ग समीकरण कहलाएगा। सिंपल सा आपको यहाँ पर वर्ग लिखना है, वर्ग। ओके, बाकी लिखित आंसर दूंगा, पीडीएफ भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको इत्मीनान से वीडियो को एंड तक देखना है। 1 से लेकर 23 तक का संपूर्ण उत्तर मिलेगा, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, क्योंकि आपके सेवा में ही मिडिल एजुकेशन लगातार कार्यरत है। और टॉपर सीरीज से जरूर जुड़ना अगर वार्षिक परीक्षा में टॉप करना हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का, टच करो और जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। आगे देखते हैं नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर, किसी द्विघाती समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान हो तो विभेदकर का मान क्या होगा, तो हमेशा शून्य होता है। और ये प्रश्न आपके त्रैमासिक में आया है, अर्धवार्षिक में आया है, देखो प्री बोर्ड में भी आया है, मतलब 3 साल पूछा है, मतलब 200% वार्षिक में आएगा। आपको पता है बेटा, जो प्रश्न हर साल रिपीट होता है ना, वो प्रश्न वार्षिक परीक्षा में आता ही आता है। तो फाइनली एक प्रश्न मैंने आपको वहां बताया, एक यहां पर, ये दो प्रश्न होंगे जो कि वार्षिक में आएंगे। नेक्स्ट कहते हैं चौथा नंबर, समांतर श्रेणी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी डैश डैश का 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद हो जाएगा हमारा ए प्लस 9D, ए प्लस 9D। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पांचवा नंबर, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं परंतु उनके माप समान होना आवश्यक नहीं है, वो कैसी आकृतियां कहलाती है, तो उसे कहते हैं समरूप आकृतियां। मतलब जिसका रूप रंग तो समान है लेकिन उसकी माप जो है वो समान है भी और समान नहीं भी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट छठवां नंबर, बिंदु 04 डैश डैश अक्ष पर स्थित है, तो 4 वर्ष दिया है। देखो पहला वाला एक्स कहलाता है हमेशा, दूसरा वाला वाई, एक्स के स्थान पर 0 है, वाई के स्थान पर 4 है, तो सिंपल सा जिस पे अंक है उसी अक्ष में स्थित होगा, तो ये वाई अक्ष पर स्थित है, यहां पर वाई हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा सत्य और असत्य क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं, फिर मैं आपको लिखित आंसर दिखाता हूं। पहला नंबर कहते हैं यदि ए बी सी एपी में है तब बी बराबर ए धन सी बाय 2 है, तो इसका क्या ये सही है गलत है, तो यहां पर आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, गोले का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर स्क्वायर होता है जहां आर गोले का त्रिज्या है, असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है कि वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो, नहीं भाई लिमिटेड होंगी, 10 खींचोगे 20 खींचोगे लिमिटेड होगी, अनंत नहीं हो सकती, इनफिनिटी कभी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखो, यदि किसी घटना की प्रायिकता पी और 0 बड़ा है पी से, पी बड़ा है 1 से, तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से पहला दूसरा और पांचवा सही, तीसरा चौथा और छठवा गलत हो जाएगा, 100% एक्यूरेट आंसर यही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब फटाफट हम सही जोड़ी को मैच करते हैं। सही जोड़ी में पहला नंबर कहता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा का सही उत्तर। नेक्स्ट कहता है कॉट थीटा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10 थीटा। नेक्स्ट कहता है 1 - sin² थीटा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा cos² थीटा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2 πr². वृत्त की परिधि 2πr और मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। और ये प्रश्न हमेशा पूछता है, आपके त्रैमासिक में आया है, अर्धवार्षिक में आया है, त्रिबोर्ड में आया है, और इतना ही नहीं जरा और सुनो, पिछले साल के त्रैमासिक में आया था, अर्धवार्षिक में आया था, त्रिबोर्ड में आया था, मेन पेपर में आया था, अब समझ लो हर बार के पेपर में आया है, तो वार्षिक में आना 200% फिक्स है। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मैंने तुमको 3 प्रश्न ऐसे बता दिए जो आने या नहीं वार्षिक पेपर में, 3 क्वेश्चन। इसीलिए बोलता हूं कि मेरे द्वारा बताए हुए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो को देखोगे तो बिना पेपर मांगे तुम वार्षिक पेपर फाड़ोगे, और देख लेना तुम खुद देखना जब तुम्हारा वार्षिक पेपर होगा ना, तो तुम्हारा पेपर पहला पेपर बहुत अच्छा जाएगा, दूसरे बहुत अच्छा आएगा, मतलब आसानी से तुम 80-85% लेकर जाओगे केवल और केवल टॉपर सीरीज के माध्यम से। इसीलिए मैं टॉपर सीरीज को 100 रुपये में रख रहा था, लेकिन आप लोग के डिमांड कारण मुझे 0 रुपये में करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल रहे थे सर मैं पैसे नहीं पे कर सकता, सर मेरी घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उन सबको ध्यान रखते हुए मैं सभी बच्चों के लिए फ्री कर दिया हूँ। तो फायदा उठाओ यार, तुम्हारे लिए हर एक चीज कर रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लेकिन उसके पहले कुछ प्रश्न के आंसर को कवर भी करते चलते हैं। ये रहा भाई साहब, देखिए सही विकल्प का पूरा पूरा उत्तर, रिक्त स्थान का उत्तर, ठीक। नेक्स्ट रहा आपके सत्य सत्य का उत्तर और सही जोड़ी का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। पहला नंबर कहता है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? हाँ जी बिल्कुल सत्य है, तो हाँ हो जाएगा। यदि 10 मीटर ऊंचे वृत्त की छाया 10 अंडर रूट 3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमें एक द्विघाती समीकरण दिया है ax2 + bx - c = 0 के विभेदकर का सूत्र क्या होगा? तो सिंपल से लिखना है d = b² - 4ac लिखित दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो शंकु के आयतन का एक प्रश्न छोड़ गया है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त की कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है? तो 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो 1/3 πr² ah ये होता है। नेक्स्ट कहता है 3, 3, 4, 5, 5 का समांतर माध्य क्या होगा? तो 4 हो जाएगा, ठीक। ये 3, 3 काटो, 5, 5 काटो, बीच में क्या है 4, 4 आपका समांतर माध्य हो जाएगा। एंड ये रहा इसका फाइनल आंसर, सॉरी प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, गॉट इट। चलिए जी आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। तैयार हो जाइए, एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बकायदे दूंगा भाई, जैसा प्रॉमिस किया था मिडिल एजुकेशन वैसा ही दिखाएगा। छठवें में देख लो, एक HCF का वैल्यू कुछ इस प्रकार से दिया है, इसका मान 9 दिया गया है और LCM का इसका मान हमें ज्ञात करना है। अथवा में देख लो, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आप ऊपर वाला देख लो, पूरा का पूरा वैल्यू सेम है। आप लिखोगे इस प्रकार से LCM, ये वाला लिख दोगे, ठीक। फिर आपको इसका LCM का वैल्यू लिखना है, फिर बटे में कर दोगे HCF का, ठीक। इस प्रकार से करने के बाद HCF का मान आपको 9 दिया, तो नीचे 9 कर देना, ऊपर ये इन वाले वैल्यू कर देना, काट ऊपर ऊपर गुणा कर देना, फिर 9 से भाग दे देना, तो भाग देने पर आपको उत्तर आएगा 22, 33, 8, यही आपका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अथवा वाला देखते हैं, दर्शाइए कि क्या कहता है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये रहा भाई साहब इसका आंसर, आप लिखेंगे कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात फिर यहां से लेकर के आपको यहां तक लिखना है, तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है कि संख्या एक दिया गया है 7, 4, 2, 9 का अभाज्य गुणनखंडों से गुणनफल को व्यक्त कीजिए, ये बोला गया है। एंड अथवा में कहता है कि एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15, 21 का हमें HCF निकालना है। तो ज्यादा अच्छा लगा हमें नीचे वाला, तो ये आपके सामने लिया है, 12 हो जाएगा 2 × 2 × 3, 15 हो जाएगा 3 × 5 और 21 हो जाएगा 3 × 7, ठीक। इस सब में कॉमन क्या है, 3, 3, 3, 3 कॉमन है, तो हमने लिख दिया उभयनिष्ठ 3 है, अर्थात इसका HCF 3 होगा, मतलब जो तीनों में कॉमन होना जो मिले वही इसका HCF कहलाता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या कहता है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो सेम टू सेम यही प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूं, देख लो, ठीक। ये रहा आपका एक वैल्यू दिया है, शून्य अल्फा और बीटा हो जाएगा, तो α + β - 3 और α × β - 2, ठीक। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, -b/a का मान -3 हो जाएगा, c/a का 2 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे, ये आपका आगे पूरा पूरा आंसर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए साइड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 9, 9 नंबर को ध्यान से देखो, 4u² + 8u का शून्य ज्ञात कीजिए, लेकिन यहां पर 8 नहीं होना चाहिए, यहां पर आपका 81 होगा। आपके पेपर में है प्रिंट मिस्टेक, और देखो ये पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये त्रमासिक में आया है, अर्धवार्षिक में आया है, प्री बोर्ड में आया है। इसके पहले देखो, उसके पहले त्रमासिक में आया था, अर्धवार्षिक में आया था, वार्षिक में आया था। मैं दिखाता हूँ विजन प्रूफ, ये देखो बेटा क्या लिखा है, 2023 में पूछा था, 2024 में 200% पूछेगा, 200% पूछेगा मतलब 200% पूछेगा, पूछेगा मतलब पूछेगा। तो ये रहा आपके सामने उत्तर, अच्छे से कंठस्थ रट लो, रट लो बात मानो तुम, रट लो, और ये आपका इस प्रकार से उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए साइड करते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, दसवां नंबर हमसे क्या कह रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला है 3 बल्लों तथा 6 गेंदों का कीमत कुछ इतना है और 1 बल्ले और 1 गेंद की कीमत 1300 रुपए है, तो बीजगणितीय समीकरण का निर्माण कीजिए। तो देखिए भाई ये रहा, देखिए ये आप लिखेंगे माना बैट का कीमत x और माना बाल का गेंद की कीमत y, ठीक। आप समीकरण लिखेंगे 3x + 6y = 3900, इसे देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा लिखेंगे और x + 3y = 1300, इसे देंगे समीकरण नंबर 2।
ठीक। और लिखेंगे x बराबर 1300 माइनस 3 बाई, ठीक, ये x का मान हमने यहां से निकाल लिया, x को इधर कर दिया और इसको पक्षांतर कर दिया तो x का मान हमें निकल आया। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये रखने पर x का मान, हिंदी में बता देता हूं, इसमें इंग्लिश में लिखा है, x का मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, हमारा समीकरण नंबर एक ये था, यहां पर x का मान रख देंगे तो सिंपल से हमने x का वैल्यू कुछ इस प्रकार से पुट कर दिया। पुट करने के बाद आपको इस प्रकार से सॉल्व कर लेना पूरा पूरी इक्वेशन, यहां से y का मान शून्य आ जाएगा, x का मान हमारा आया 1300 और इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है, ये रहा आपके सामने चित्र, लो भाई पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं समझ में तो आया होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या कह रहा है, 11 नंबर, 11 नंबर कहता है कि समीकरण ax² + 5x + 3 शून्य के विविधकर का मान ज्ञात करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल रिपीट होता है, ये भी सेम वैसे ही है, त्रैमासिक अर्धवार्षिक और वार्षिक पिछले साल, इस सवाल भी आया है आपके आई थिंक वार्षिक परीक्षा पूछा था, त्रैमासिक में नहीं आया था, ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी कवर कर लेना। नीचे वाला देख लेते हैं, लिखा है जांच कीजिए कि एक समीकरण दिया है 2x - 1 x - 3 = x + 5 और x - 1 द्विघाती समीकरण है या नहीं, तो हमें जांच करना है, इस प्रकार से इसका आंसर फाइंड करेंगे। ये देखो हमने लिखा दिए गए समीकरण, हमने फिर से समीकरण को लिखा, अब इसका गुणा गुणा कर दिए तो गुणा करने पर कुछ इस प्रकार से आया, ठीक, इधर सॉल्व कर दिए, फिर हमने कहा पूरे पक्षांतरण, इधर कर दिए शून्य, तो हमारा मान निकल गया है x² - 11x + 10 = 0, तो यह एक क्या द्विघाती समीकरण है, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है, ठीक, ये रहा आपका पूरा पूरा आंसर। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 12, हमें एपी के प्रथम चार पद लिखना है जबकि ए का मान -1/(-1/25) और सर्वांतर दिया है 0.25, वो भी है माइनस में, तो इसका आंसर फाइंड करना है। इसके अथवा दिया कि एपी -2 -2 -6 -10 के अगले चार पद क्या होगा, तो हमने नीचे वाला आंसर लेकर गया है, ये रहा आपके सामने, ठीक, देख लो इसका प्रथम पद -2 हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा क्या, सर्वांतर आया -4 डी का मान, ठीक, तो ये देख लो भाई कुछ इस प्रकार से लिखना है, एंड ये रहा आगे लिखेंगे, तो डी का मान तो -4 आ गया, ठीक है, जैसे कि डी का मान -4 यहीं पर आ गया था, आगे क्या लिखेंगे, ये तो पहला पद हो जाएगा, देखो a + d a + 2d a + 3d ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक, इस प्रकार से आपको लिखना था, ये रहा फाइनल आंसर ना, ये लिखना नीचे वाली लाइन। तो देखिए एक आकृति दिया गया है DE = BC, तो AD का मान हमें ज्ञात करना है, तो इस आकृति का हम दिखा देते हैं सही आंसर, ये रहा बेटा जो कि आकृति वहां पर दिया था, तो सेम चीज यहां पर बना है, इसे कैसे लिखेंगे, तो ये रहा इसका आंसर, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड AD का मान हमें 2.4 सेंटीमीटर निकल आया, यही सही उत्तर होगा और हमें AD ही बोला गया था निकालने के लिए, ठीक, ये कंप्लीट होता है। PDF को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पेपर प्लस PDF दोनों आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 14 कह रहा है कि एक बिंदु A का मान यहाँ पर दिया है, ठीक है, B का मान दिया, C का मान दिया, D का, और कहता है कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान हमें ज्ञात करना है। इसके नीचे दिया है कि बिंदु AB और -A - B के बीच की दूरी निकालिए, तो हम नीचे वाला आंसर लेकर गए जो मुझे सरल लगा, ये रहा आपके सामने आंसर, ठीक, इस प्रकार से आप लिखेंगे AB = ये सूत्र लगा देंगे और इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 2√A(a²)-b², इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 15, 15 नंबर कहता है सिंपल सा, sin 30° + cos 30° का मान निकालना है, तो ये रहा भाई साहब आपके सामने आंसर, इस प्रकार से आपको निकालना है, ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्या कह रहा है, 16 नंबर कहता है कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं, यदि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ये रहा पूरा पूरा सेम आंसर। आप लिखोगे माना PA का मान इतना दिया है, PB का मान हमें निकालना है, तो PA + PB = 1, तो घटा दो सिंपल से एक में से आप 0.62 घटा दो तो आ जाएगा 0.32, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्या कह रहा है कि चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है साथ ही एक पट्ट प्राप्त करने की प्रायिकता भी ज्ञात करना है। अथवा में कहता है एक डिब्बे में 5 लाल कंचे 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं, तो डिब्बे में से एक कंचा यादराक्षी निकाला जाता है तो प्रायिकता क्या होगी, और प्रायिकता क्या होगी, यह कंचा हरा नहीं है, तो ये रहा भाई साहब हरा कंचा। कंचे खूब खेलोगे, यदि खेलोगे तो देन बेहतर, नहीं खेलोगे तो कोई बात नहीं, पढ़ लो
ठीक। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, देखो लाल कंचा 5 है, हर सफेद 8 है और हरा 4 है, जोड़ दो भाई 17 हो गए टोटल, तो 17 ठीक ये हो गया। अब ये फॉर्मूला लगा दोगे ठीक है, और क्या बोला है कि लाल कंचे को बोला है, तो सिंपल सा लाल कंचा 5 है तो 5 बटे 17 हो जाएगा, सफेद 8 है तो 8 बटे 17 हो जाएगा, और बोला है हरा नहीं है ना, तो सिंपल दोनों को जोड़ दो 8 और 5 जोड़ोगे 13, तो 13 बटे 17 इस प्रकार से आंसर आ गया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्या कह रहा है, 18 नंबर कहता है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी हुई है, मतलब एक मीनार खड़ी हुई है, घर बना हुआ है ठीक। धरती के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु, पाद मतलब होता है जो उसका बेस पॉइंट होता है, जिसे तुम कहते हो नेव ठीक, पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, तो उसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ये रहा इसका आंसर। सबसे पहले आप चित्र ध्यान से देख लीजिए, चित्र अच्छे से बनाइएगा, चित्र जितना अच्छा बनाएंगे नंबर उतना ही बेहतर मिलेगा ठीक। बाकी इस प्रकार से सॉल्व करना है, एच का मान आ जाएगा आपका 15√3 मीटर, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है, हमें सिद्ध करने की बात करता है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है, तो ये रहा बेटा इसका आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ठीक, इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा पूरा आपको यही लिख करके आ जाना है। तो इति सिद्धम आपको यहां तक लिखना है ठीक है, ये भी कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, एक त्रिज्या दिया है और बोला है कि 4 सेंटीमीटर वाली एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसका कोण 30 डिग्री दिया गया है, अथवा में उससे बेहतरीन और सरल प्रश्न है। अथवा वाला कहता है एक वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब ये रहा आपके सामने चतुर्थांश की परिधि, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा का पूरा 100% रियल और जेन्युइन आंसर है, इससे बेहतरीन आंसर कहीं भी नहीं मिलेगा, तो आपको यही लिख करके आना है, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर कहता है, 21 नंबर कहता है कि दो संपूरक कोण का बाह्य बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही प्यारा प्रश्न पूछा गया है, तो ये रहा इसका आंसर ठीक। ऊपर वाले का ये आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है ठीक। ये लिखिएगा, ये लिखिएगा, इस प्रकार से आपको सत्यापन भी करना है और लिखना है अतः प्राप्त हल सही है। तो पूरा पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा का पूरा ये लिख कर जाना। आपको पता है यार कि 100% रियल और जेन्युइन आंसर है ठीक है, ऐसा आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस दो ही प्रश्न और बचा है जो कि 4 नंबर के प्रश्न है। हमारा प्रश्न कहता है कि एक ठोस एक अर्ध गोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई की त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई है, पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अथवा में कहता है एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, ठीक है, एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, जो उसी त्रिज्या के एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है, मतलब एक अर्ध गोला बना हुआ उस पर अध्यारोपित है, मतलब उससे जुड़ा हुआ है, समझना बात को। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, पूरी की पूरी ऊंचाई की बात करूं तो 15 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, 15.5 है, तो इस खिलौने पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। ये देखो सबसे पहले चित्र समझो, इसका जो त्रिज्या बोला है बेटा वो देखो इतना है, ठीक है, पूरी ऊंचाई बोलो देखो 15.5 है, तो हमें सिंपल से बोला है कि ये जो 10 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, ये रहा आपके सामने, इस प्रकार से आंसर लिखना है आपको, इसको मैं जूम आउट करता हूं ठीक, ये रहा, तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, ये रहा, तो आपको ये आंसर लिखना है, ये इसका हो गया आपका क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना लिख के कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 23 है। देखिए मैं आपसे बोला था ना कि 1 से लेकर 23 तक का संपूर्ण उत्तर दूंगा, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं छोड़ा हूं भाई, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, ये चीज तुमको ही पता है, तुम कोई नए स्टूडेंट नहीं हो, तुम भी ओल्ड हो। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर कुछ इस प्रकार से दिया गया है, देख लो 45 से 55 तक 3 है, 55 से 65 तक 10 है, 65 से 75 तक 11 है, 75 से 85 तक 8 है और 85 से 95 तक 3 है। तो कहता है कि माध्य साक्षरता दर ज्ञात करना है, मतलब सिंपल सा हमें माध्य विचलन का सूत्र लगाना है ठीक है, तो आइए लगा के देखते हैं कैसा निकालेंगे। ये रहा देखो, पूरा पूरा सेम सेम वही आंसर दिया गया है, यहां से हल करना है, ए का मान 70 लिखना है, एच का मान 10 लिखना है ठीक है। इस प्रकार से एक ब्लॉक बॉक्स बनाना है साक्षरता दर, दूसरा होगा नगरों की संख्या, तीसरा वर्ग चिन्ह, चौथा हो जाएगा D1 का और पांचवा हो जाएगा आपका U1 का और F1 और U1 का ठीक, इस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार से आपको निकालना है पूरा पूरा, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, पद विचलन विधि का प्रयोग करते हुए फॉर्मूला को रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला है, और जो जो वैल्यूज दिया गया है सिंपल से पुट कर दो, जोड़ घटा दो, आपका आंसर आएगा 69.4
43% इस करेक्ट आंसर, यही आपको लिखना है। लीजिए इस प्रकार से पूरा पेपर कंप्लीट कर दिया हूं, एक अथवा में है, जरूरी नहीं है आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, तो पूरा कंप्लीट कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिडिल एजुकेशन ऐसे ही कॉन्टेंट लेकर के आता है, तो लगभग आपके 3 पेपर के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, हिंदी, विज्ञान और आपका गणित, जल्द ही आपको संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी का देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप टॉपर सीरीज से जरूर जुड़िए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कीजिए, आपको PDF भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं और अपने मन के सारे डाउट को आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे जुड़ के। मैं वीडियो गन करता हूँ, एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।